दोस्तों, बिग बॉस सीजन 17 के घर में भले ही मुनव्वर फारूकी दिन में 24 घंटे आयशा खान के साथ में रहते हो, लेकिन आपको बता दें कि मुनव्वर फारूकी खुद जो है आयशा खान से काफ़ी ज़्यादा परेशान और काफ़ी दुखी है। और इस चीज़ का खुलासा खुद मुनव्वर ने बीती रात को अपने मुंह से किया है। दरअसल हुआ कुछ यूँ था कि बिग बॉस ने घर के सभी कंटेस्टेंट को लाइट्स ऑफ होने के बाद में आदेश दिया कि घर वाले जो है तुरंत ही अंदर आ जाओ, क्योंकि गार्डन एरिया के ब्लाइंड्स को बंद किया जा रहा है। ऐसे में मुनव्वर ने बिग बॉस से कहा कि प्लीज़ बिग बॉस, 5 मिनट का टाइम दे दीजिए, 5 मिनट में अपने दिल की जो बातें हैं वो आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। और इसके बाद मुनव्वर जो गार्डन एरिया में सोफ़ा लगा हुआ है उस पर अकेले बैठे हुए थे, और इस दौरान वो कैमरे की ओर देखते हुए बिग बॉस से कहने लगे कि बिग बॉस, ये कैसा शो है, यहाँ पर जो मन में आए वो बोल सकते हैं क्या, कुछ भी मन में आए कुछ भी बोल सकता है क्या, कोई भी कुछ भी बोल के चला जाता है यहाँ पर। यहाँ पर वो नाप तोल वाला सिस्टम नहीं है क्या कि तोल के बोलना चाहिए, सोच समझ के बोलना चाहिए, आगे पीछे देख के बोलना चाहिए, कौन है कौन नहीं, कोई नहीं देखता है ये चीज़। वहीं दोस्तों, इसके बाद में मुनव्वर ने कहा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं गलत जा रहा हूँ यहाँ पर, जिसको मैं हमदर्द समझ बैठा हूँ, कहीं वही तो मेरा असली दर्द तो नहीं है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मुनव्वर के कहने का साफ मतलब पता चल रहा है कि वो आयशा को इन दिनों अपना हमदर्द मान बैठे हैं, और मुनव्वर को लगता है कि कहीं आयशा ही तो उनका असली दर्द नहीं है जिनकी वजह से वो दिन भर परेशान रहते हैं। और साथ ही मुनव्वर ने कहा कि जिनको दर्द समझ बैठा हूँ, कहीं वही तो मेरा असली हमदर्द नहीं। यहाँ पर मुनव्वर के कहने का साफ मतलब है कि वो कहीं ना कहीं उनका जो इशारा है मनारा की तरफ है, जिनको कि वो इस समय अपना दुश्मन मान बैठे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मनारा जो है वो अक्सर मुनव्वर के दुख दर्द में साथ देते हुए नजर आती है। और यही वजह है कि यहाँ पर मुनव्वर ने ये सारी बातें बिग बॉस से कही है। जी हाँ दोस्तों, मुनव्वर खुद चाहकर भी आयशा खान से उसकी शिकायत नहीं कर सकते, लेकिन अपने दिल की जो बातें हैं, अपने दिल की जो भड़ास है, वो बिग बॉस के सामने निकालते हुए दिखाई दिए। फिलहाल दोस्तों, आपका क्या है कहना इस पूरे मुद्दे पर, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बताएं। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए।